प्रदर्शनकारी पहलवानों ने बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के दौरान उनसे 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कराने का अनुरोध किया और तब तक के लिए अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित करने पर सहमति जताई। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की अडहॉक कमेटी पर दो कोचेज का नाम प्रस्तावित किया गया है, उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि दो कोचेज को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। पहलवान साक्षी मलिक ने खेल मंत्री के साथ बैठक के बाद कहा कि उन्हें 15 जून तक पुलिस जांच पूरी होने का आश्वासन दिया गया है, तब तक विरोध प्रदर्शन स्थगित करने को कहा गया है। सरकार ने 15 जून तक पुलिस जांच पूरी होने तक सरकार ने समय मांगा है और जो रेसलिंग का प्रपोजल है वो हम जाके जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो किसान के किसान संगठन जो हमारे खा पंचायत के प्रधान हैं उनके आगे रखेंगे और बाकी और भी सारी चीजें थी, FIR जो है उनकी लेने की बात की है और बाकी करते हैं, बाकी आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस जांच 15 जून तक पूरी होने तक सरकार ने समय मांगा है और जब तक हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे और रही रेसलिंग की जो सारी प्रपोजल है वो हम अपने किसान संगठन और उनके आगे रख देंगे। पहलवानों ने 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ दूसरी बार अपना विरोध शुरू किया था। पहलवान WFI के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिन पर उन्होंने महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है।